जहाँ पे हम लोगों ने मेरे है मेरे मामा गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बी ऑब्सेस्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रही हूँ, वो भी मेरे मम्मी के साथ। तो आप लोग व्लॉग देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने मेरे बचपन का मैक्सिमम पार्ट स्पेंड किया है। तो मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके चलूँगी, मेरी मॉम भी आ रही है। तो आप लोगों को अच्छा हाय बोल रही है, मेरी मॉम मेरे सब्सक्राइबर्स को हाय बोल रही है। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कहाँ पे मैंने मेरा बचपन मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे नया रेस्टोरेंट खुला है जो पहले नहीं था। ये देखिए, कुछ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे। ये सारे घर नहीं थे यहाँ पे पहले, ये एक्चुअली बैरन लैंड्स थे यहाँ पे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। मैं ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स के बाद आ रही हूँ। yeah. मैं घर भी भूल गई, देखिए। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुँच गए हैं, मेरी मॉम जा रही है और हम भी जा रहे हैं। चलो। ऑल राइट गाइस, तो आप लोगों ने देखा, मैंने बताया कि जहाँ पे मैंने मैक्सिमम टाइम मेरे बचपन का स्पेंड किया है, तो मैं वहाँ पे आई हूँ मेरी मासी के घर में और हम लोग करने वाले हैं पिज्जा पार्टी। तो यहाँ पे मैं हूँ, मेरे मामा है, मेरी मासी है और मेरी मम्मी है। तो हम चारों मिलके पिज्जा पार्टी करने वाले हैं। चलो डिग इन करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग करने वाले हैं पिज्जा पार्टी। तो ये है वेज, ये वेज ब्रेड, स्टफ्ड ब्रेड स्टिक। ये है पिज्जा जो हम अभी खाने वाले हैं और ये वेज। तो ये है वेज और ये केक। तो हम लोग ये सब अभी, ये है मेरे मामा, सब लोग खाने वाले हैं अभी। ठीक है, और मीना दीदी अभी भी कर रही है, देखिए प्याज। और कैमन लग जे प्याज काटते? प्याज काटती काटना आते थी। अरे बाबा, देखिए ये फिश फ्राई भी हो चुका है ग्रेवी के लिए। राइट गाइस, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ पे मैंने बचपन स्पेंड किया है। तो वो जगह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी मासी का घर है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा कैसा है। मैं एक घर का टूर दे देती हूँ आप सबके लिए। तो जब भी मैं यहाँ आई ना बहुत सालों के बाद, तो मेरी बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। हम लोग यहाँ पे ना खेला करते थे, बहुत मज़ा किया है यहाँ पे। चलिए अभी देखते हैं, ये एक रूम है यहाँ पे, ये लोग अभी साफ सफाई करे। अभी बस हम लोग खाना खत्म ही किए हैं, बाकी का पैकिंग चल रहा है सब। इधर देखिए सब लोग बिजी है। ये एक रूम है और इधर ये बाथरूम। तो बस ऐसे ही है, बचपन की यादें ताजा हो गई गाइस। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Alright guys, so we are done for the day and we are heading back to our home, as in me and my mom. So we'll end the vlog here today. It was really fun going back to my memory lane, like my childhood memory lane. So see you in the next one. Till then, you stay fit, stay healthy and be obsessed about whatever you do in your life, but in a positive way. So today is the 2nd of December. And tomorrow I'm flying back to my home again from Kolkata. This trip has been a really, really long trip and very, very refreshing for me as well, because मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत दिनों के बाद मैं actually almost 25 days के लिए मैं अपनी mom के पास आके रही and बहुत peacefully मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मेमोरीज जो कहीं खो सा गए थे वो फिर से रिवाइव हो गए।
क्योंकि ये जब से कोविड आया है ना, कोविड के वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हो गए. मेरे बहुत से क्लोज रिलेटिव्स जो थे वो गुजर गए, मैं उस टाइम नहीं आ पाई. तो मुझे उनका लॉस तो यहाँ पे अभी आके इस बार समझ में आया कि वो नहीं है. जब वो रहते थे तो तब कैसा माहौल होता था, और जब वो नहीं है तो कैसा माहौल है. बट आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. वी हैव टू जस्ट बी मूविंग ऑन. एनी विच वे, मैं आपको लोगों को बोर नहीं करूँगी. तो मेरा बैग भी देखिए पैक्ड है ऑलरेडी. बस अभी मैं रात को सोने जा रही हूँ. मैं एक्चुअली बहुत ही अपसेट थी, मेरी मॉम भी बहुत अपसेट थी, तो मैंने व्लॉग नहीं किया पूरा दिन. वो होता है ना कि इतने टाइम के बाद आप अपने मॉम से मिलो, अपने फैमिली से मिलो, और फिर जाने का भी टाइम आ जाए जल्दी से, तो बहुत तकलीफ होता है. तो इसी वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया. लेकिन कल सुबह मेरी 4 बजे मुझे निकलना है, क्योंकि मेरी 7 o'clock की फ्लाइट है. तो मिलते हैं कल सुबह को, ठीक है? बाय. गाइज, सो माई ट्रिप हैज़ कम टू एन एंड. एज यू कैन सी, माई बैग्स आर ऑलरेडी पैक्ड. ओनली फ्यू बिट्स लेइंग आउटसाइड विच आई पैक टू नाइट. ऑलराइट गाइस, फाइनली तो वो दिन आ गया है जब मैं जा रही हूँ वापस मेरे घर. मेरी मॉम और सिस्टर आई है सुबह सुबह छोड़ने के लिए. ऑलराइट गाइस, तो चेक इन हो चुका है मेरा, और चेक इन वॉज वेरी स्मूथ दिस टाइम एट द कैलकटा एयरपोर्ट. एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई गेट नंबर. सो लेट्स सी हाउ डज इट गो. ऑलराइट गाइस, सो इट्स टाइम फॉर अस टू लीव कोलकाता एंड go back to our destination, and very shortly we will catch you guys somewhere in the next destination. So till then, you guys stay fit, stay healthy, and be obsessed about whatever you do in your life. Bye. गाइज, मुझे पता है आप लोग बोलने वाले हो कि मैंने ब्लॉग खत्म कर दिया था, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज बोलना भूल ही गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, तो मैं एक्चुअली बोल ही नहीं पा रही थी. मेरा वॉइस ऑलमोस्ट चोक्ड हो गया था. लेकिन अभी मैं घर आ चुकी हूँ, और मुझे आप लोगों से ये शेयर करना है कि मेरा कैलकटा का ट्रिप तो खत्म हो गया, लेकिन अभी मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं एक क्रिसमस थीम्ड लोकेशन में, जहाँ पे मैं और नील हम दोनों जाने वाले हैं. और हम लोगों को बहुत सारा काम करना है अभी, जैसे कि बहुत सारा पैकिंग बाकी है, गरम कपड़े खरीदने हैं, फिर कैमरा भी शायद हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो कैमरा है शायद वो वहाँ पे ना चले, तो आई हैव टू थिंक ऑफ बाइंग अ कैमरा एज वेल. तो देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं, और बहुत टाइम कम है तो हम लोग फटाफट से करने वाले हैं. और हाँ, मैं आप लोगों के साथ पूरा जर्नी भी शेयर करने वाली हूँ, प्रेपिंग से लेके पैकिंग से लेके, और हम लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं. हर बार की तरह आप लोग मेरे साथ इस बार भी आ रहे हो, ठीक है? तो अभी फाइनली व्लॉग को करते हैं खत्म.